वॉट इज दिस? ओ मम्मा आर यू एंग्री विद मी? सॉरी बेटा, कम हेयर, डोंट डू दिस प्लीज. मोमना हम राइटिंग नहीं करें अब, पहले आपने रीडिंग करनी है. ओके कम हेयर. एक टाइम आता है कि बच्चा एक ही काम करने से फेड अप हो जाता है, तो जैसे ही वो फेड अप हो जाए आपने उस काम को लीव कर देना है. अभी मोमना रीडिंग करेगी. ओके मोमना, हम बुक दें आपको. ये मोमना का बैग है और मोमना की कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें. मोमना ओपन योर जिप. डू यू नो हाउ टू ओपन? यस, ओपन योर जिप. ओके क्या करना है? अभी हमने रीडिंग करनी है ना, आपने खुद ही कहा हमने रीडिंग करनी है. वेरी गुड अहमद. नो दैट इज नॉट योर बुक अहमद, लुक एट that is your book, pick up your book. Mumna okay, what is this Mumna? Ahmed A O Ahmed bhai hamesha aise karta hai. Ab na aap wo wali book le aaye, hum wahan se ABC reading kar lete hain. Wo second book le aao aap. It's okay Mumna, it's okay. Wo chota baby hai na. Very good Mumna, to mera line beta hai. इट्स ओके अहमद, डोंट स्पॉइल द बुक प्लीज, केयरफुली. ओके मम्मा कम हेयर. यस ए ए फॉर, वेरी गुड. बी बी फॉर, वेरी गुड. नेक्स्ट पेज. यस नेक्स्ट पेज. नो 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 यस. ओके ओके मम्मा, सी फॉर, वेरी गुड. डी डी फॉर, यस ये डी है और ये भी डी है. ओके डी फॉर, वेरी गुड. नेक्स्ट पेज. यस यस यस. ओके व्हाट इज दिस? ई फॉर, वेरी गुड. एफ फॉर फ्रूट्स. एफ फॉर फ्रूट्स. नेक्स्ट पेज. वेरी गुड. जी मुन्ना व्हाट इज दिस? जी फॉर, मुन्ना बताए, ग्लव्स. जी फॉर ग्लव्स. एच, एच फॉर हैट. आई मुन्ना स्पीक लाउडली बेटा, व्हाट इज दिस? आई. वेरी गुड. आई फॉर आइसक्रीम. Yes, it's Momna. Yes, Momna, what is this? J. J for jacket. Yes, चलें. J for jacket. लेके आते हैं, ये ऊपर पड़ी है, ये बुक ले आए आप. Very good. Ahmed, don't do this. Yes, come here. Come here, बेटा, ये बड़ी अच्छी बुक है. Okay, बेटा, आप ये वाली बुक दें, 1 मिनट बताती हूँ आपको. Give me that book. वेट. ओके ओके अहमद, नो मना, कम हेयर, ये बुक ले लें आप. अहमद हर चीज़ खुद ही लेना चाहता है. ये अहमद ले लेता है. अहमद भाई डोंट टच. बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों को कंट्रोल करना आपकी समझ से बाहर हो जाता है, लेकिन आपको बड़े ही अच्छे तरीके से टैकल करना होता है बेबीज़ को. ओके मोमना, अब ये बुक ले आइए कि हम ये स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सारी बुक्स जो भी हम पकड़ते हैं वो अहमद ले लेता है. गिव मी योर मार्कर. You want to write? Hmm. Okay. First of all, clean your board. If you want to write, then it's well and good. Okay. Very good. What you want to write, Momna? Yeah. What you want to write? ABC? ABCD. Yes. You want to write ABC? Yeah. Okay. Momna, पहले आप बताएं. A for? Apple. B for? Ball. C for? F. C for? Cat. C for cat. Cat. D for? E for? E for? Flower. E for? Egg. E for egg, E for elephant. क्योंकि मोमना ने ना दो बुक्स को स्टडी किया हुआ है, एक ये वाली बुक है ठीक है, और ये सेकेंड वाली अहमद ले रहा है हमसे. तो मतलब एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड स्टार्ट होते हैं, तो बच्चा समटाइम मिक्सअप कर जाता है. यू वॉन्ट टू टेक योर मार्कर? वेरी गुड. ओके मोमना राइट है. अच्छा ना, पहले नहीं
क्या राइट करना है? ओके ओ अहमद यू स्पॉइल इट बेटा, ओ माय गॉड अहमद डोंट डू दिस प्लीज, नो इट्स ओके इट्स ओके, डोंट स्नैच बुक स्पॉइल कर दी, इट्स ओके हम बाबा से कहेंगे न्यू ला देंगे, ओके पहले ये लिखना है आपने, ओके राइट कर लें अहमद डोंट डू दिस अहमद टेक इट टेक दैट बुक अहमद, ये भी स्पॉइल हो गई है, इट्स ओके। अच्छा ऐसे होता है कि मैं तो मतलब मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, समटाइम हम अपने बच्चों को इंग्लिश वर्ड्स सिखाना चाहते हैं, हमने ये आपको भी काउंटिंग मैंने स्टार्ट नहीं करवाई, काउंटिंग नहीं आप कर सकती अभी, ये आपको आती है थोड़ी सी अलिफ़ा, अलिफ़ा पढ़ सकती हो? हाँ ओके अहमद अलिफ़ा पढ़ने लगे, अलिफ़ा यस ये जीम ओके मम्मा आप बताएं सीन कौन सा सीन, अहमद जैसे आप अहमद को डील करेंगे ना वैसे ही मोमना अहमद को डील करेगी, मतलब छोटे बेबी को जैसे आपने डील करना है ना वैसे ही आपके उसके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर ने करना, अगर यस यस पढ़ें कहाँ है वन, ये वन वन ट्वेंटी नेक्स्ट काउंटिंग आती है मम्मा को, ट्वेंटी वन अच्छा ना ये ड्यूरिंग स्टडी डिफरेंट चीज़ों में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, तो जिस चीज़ में बच्चे ने इंटरेस्ट लेना है ना आपने फ़ौरन उसी चीज़ की तरफ मूव कर जाना है, आपने ये नहीं कहना कि अब हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम जस्ट राइटिंग ही करेंगे और अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जस्ट हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बच्चे को हमने सिंपल यस यू नीड योर मार्कर, ओके बेटा टेक योर मार्कर यस, कौन सी स्टडी करनी थी अब, ये वाली स्टडी करनी है, ओके ओपन इट, कौन सी बेटा, ज्योमेट्री बॉक्स लेना है आपने, ओके मम्मा काफी देर से ज्योमेट्री बॉक्स लेना चाहिए लेकिन उसको प्रोनाउंस करना नहीं वर्ड आ रहा, ओके 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 अच्छा तो मैं बता रही थी कि जिस तरह आपने छोटे बेबी को डील करना है उसके सिबलिंग्स ने भी ऐसे ही डील करना है, ओके बेटा टेक इट, आप बहुत बेहतर है कि अगर आप डेली हाफ आवर वन आवर या जितना भी आपके लिए पॉसिबल है टाइम देना बच्चे को आप उसको टाइम दें, और जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट शो कर रहा है अगर मम्मी राइटिंग करना चाह रही है, अगर आप अभी भी राइटिंग करना चाह रहे हैं एक टाइम में तो आप राइटिंग ही करवाएं, अगर वो रीडिंग करना चाह रहा है तो आप उसको रीडिंग ही करवाएं, क्योंकि अभी स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ इसका तो अभी बेसिक चीज़ें हमने भी सिर्फ सिखानी है, और ख़ुद ही आपको हर चीज़ वो बोल बोल के बता देगा, एक टाइम आएगा और वो बहुत जल्द टाइम आ जाता है, देर नहीं लगती, व्हाट इज़ दिस, आपको पता है ये क्या है, बताएं राइटिंग करनी है, ओके चलो ना राइटिंग फिर करनी है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करें मेरे बेटा, वन से पिकअप योर मार्कर सॉरी पेंसिल, ओके ये डॉट्स लगे हुए हैं डॉट्स के ऊपर राइट करें, ये देख लें अब जो मामला ने करना है अहमद ने भी, अहमद टेक योर मार्कर, अहमद दैट इज़ योर पेंसिल, ये नहीं सही लगी अब, ओके चेंज कर लें यस चेंज कर लें, ओके 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 बेटा ओके आपने ना बच्चे को ओके वेरी गुड ओपनली और फ्रेंडली बोलने देना है, वो जो भी कहना चाह रहा है आपने उसको हेजिटेशन नहीं फील करवानी कि वो सोच सोच के बोले या वो हमेशा परफेक्ट ही वर्ड्स बोले, वो जैसे भी बोलता है वो बोले, बस आपके सामने उसको हेजिटेट नहीं होना और यही बेसिक सक्सेस है, यस स्टार्ट करें यस क्लोज कर दें
अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि आपने अपने बच्चे को हमेशा अच्छे वर्ड्स से बुलाना है, आपने चाहे वो गलत काम करे आपने उसको अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मोस्टली हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इंग्लिश में स्पीकिंग करे, ठीक है, लेकिन समटाइम बल्कि मोस्टली हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे के बहुत से रिलेशंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में स्पीक नहीं कर सकते। मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो मुमना के दादा अबू हैं, चाचू हैं, और भी मतलब जो बाकी इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आपका बेबी हर चीज़ परफेक्ट पिक करे। तो इसका सलूशन बेस्ट ये है कि अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अपने बेबी को आप बार बार मना नहीं कर सकते कि उसने उसके पास नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। उसका बेस्ट सलूशन ये है कि आप हमेशा अच्छे से स्पीक करें, बच्चों को बताएं कि ये वर्ड राइट है, ये रॉन्ग है, ये भी अहमद ने क्या कर दिया है, स्पॉइल, अहमद ने क्या कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, अहमद डर्टी बॉय है, मोमना की चीज़ें स्पॉइल कर देता है। ओके मोमना, इट्स ओके, हम बाबा से कहेंगे ये ठीक हो जाएगी। ओके यस, इट्स ओके, छोटा भाई है ना अहमद, इसलिए वेरी गुड, ये बैग के अंदर रखते मोमना। ओके यस, ओपन करें इसको पहले। अच्छा ना, आपने सिर्फ स्टडी नहीं करवानी बच्चे को, उसके साथ साथ आपने बच्चे को अपनी चीज़ें केयरफुली रखनी है, क्या बताना है कि उसने कैसे प्रॉपर प्लेस पर रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुद ही अपनी चीज़ों को अच्छे से संभालना शुरू कर देगा। ये सारी बुक्स हमारी अहमद स्पॉइल कर गया, अभी हम इसे कलेक्ट करेंगे और बैग में रखेंगे। ओके वेरी गुड, वेरी गुड मोमना, मोमना मेरा लाइन बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है। यस, इट्स ओके, पुट ऑल द बुक्स इनसाइड योर बैग। यस, क्योंकि मैं समटाइम नोट कर रही हूँ कि मोमना को मैं इंग्लिश वर्ड सिखाती हूँ ना, तो अपने जब दादा अबू से बात करती है ना तो वो ठोस पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन मोमना समटाइम नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि दादा अबू को बताती है दादा अबू। यस, मोमना की है, मतलब मोस्टली दादा अबू को मोमना गाइड कर रही होती है, दादा अबू इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसे बोलना। मार्कर भी रख दें अंदर, वेरी गुड। ओके मोमना, पिक अप दैट बुक, वेरी गुड। मोमना ने सारी बुक्स जो हैं, अहमद स्पॉइल करके गया था, मोमना ने सारी बुक्स जो हैं वो अपनी केयरफुली बैग में रख दी हैं, वेरी गुड मोमना। यस, ये भी केयरफुली कहते हैं बिग बुक, क्या ये आपसे एडजस्ट नहीं हो रही? ओके बाद मामा कर देंगी, इट्स ओके। यस, ये भी अहमद भाई ने स्पॉइल कर दी थी, ये मामा पहले आपको ठीक करके देंगी, मुझे दे दें, आप पहले रखती हो इसको। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मोमना। यस ये भी नहीं मोमना से एडजस्ट हो रही। ओके मोमना, क्लोज योर बैग, यस मिल गया, वेरी गुड। बच्चे को ना आप, ओ यस, बाय बाय मोमना, ऐसे बाय बाय बोल दें, बाय बाय मोमना का स्टडी टाइम फिनिश हो गया है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ मोमना, मोमना अल्लाह हाफिज़, मामा की तरफ बाय बाय करें, गुड बाय बाय।